अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सबात अहमद खान, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक YBR की रिस्टोरेशन। कंप्लीट नहीं होगी कि यार हर एक पुर्जा उसका उतार के नया लगाएंगे या उसको साफ़ करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें। एक बाइक है मेरे पास, ठीक है, वो मुझे दिया है किसी ने, उस पर प्रोजेक्ट करना है, उसको थोड़ा सा सेट मेट करना है, क्योंकि वो बाइक अभी जिस हालत में है ना, वो कबाड़ वाली हालत है, ठीक है, जैसे सदियों से किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। तो हमने उसको थोड़ा सेट मेट करना है और देखते हैं क्या क्या पार्ट उस पर इंस्टॉल होते हैं और कौन सी चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, तो वो करवाते हैं और उसकी लुक को ना थोड़ा सा इन्हेंस कर देते हैं कि यार पता लगे कि बाइक थोड़ा ठीक है। 19 मॉडल YBR है, और साथ साथ मैं आपको प्राइस भी बताऊँगा, जो पार्ट इंस्टॉल करेंगे या जो भी काम होगा उसकी प्राइस भी बताऊँगा, और जो काम खुद करेंगे वो तो खुद ही करेंगे। तो ये बाइक बस जल्दी से तैयार करके हमने देना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं इंस्टॉल करेंगे आफ्टर मार्केट या कुछ, बस इसकी जो अपनी चीज़ें ओरिजिनल होंगी वो लगाएंगे और जो लगी हुई उनको इन्हेंस कर देंगे। तो मैं आपको बाइक दिखाता हूँ। तो जनाब आज बारिश का मौसम है और बारिश थोड़ी सी रुकी है, तो मैं बस वीडियो बनाने निकला हूँ। और हमारे पास मौजूद है 19 मॉडल YBR G, और यहाँ से इस टाइम बड़ा पप्पू किस्म की लुक दे रहा है, क्या लश पश कंडीशन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ बाइक किसकी हालत क्या है। और ये एग्जैक्टली सेम बाइक है जो मेरे पास है, जिसको मैंने इस टाइम पे वेनम बनाया है। आई विश कि मैं इसको भी वेनम बना सकता, लेकिन इस पर सिर्फ जो है हमने ओरिजिनल पार्ट्स इंस्टॉल करने हैं, आफ्टर मार्केट इंस्टॉल नहीं करने। स्टार्टिंग फ्रॉम द काउल, फुल स्क्रैचो स्क्रैची है, ठीक है, इसकी जो हालत है ना वो बहुत ही ख़राब है। और ये जो लगा हुआ है ये तो बिल्कुल ही फारग हुआ, पता नहीं इसके ऊपर क्या मारते रहे हैं बैठ के। ये लॉक उनका लगा हुआ है, इसकी पता नहीं चाबी है या नहीं है साथ में। तो ये जो पूरा काउल है ना, इसको या तो नया लगेगा और ये भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, ख़राब नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, ये नया यूज़ हो सकता है। सीट की बात करें तो सीट कवर नया लगेगा और ये थोड़ी सी फिक्स होनी है यहाँ से सीट। उसके अलावा सबसे जो बुरी हालत है ना वो इस पर वो है टैंक की हालत। आप देखें ये पता नहीं क्या यार, ऊपर बैठ के चाबियां मारते रहे हैं, घसीटियाँ मारते रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या करते रहे हैं, लेकिन टैंक की हालत बहुत ख़राब है और इसको जो है ना थोड़ा सा फिक्स करने की ज़रूरत है। ये मैं देखता हूँ कहाँ से हो सकता है बेटर, तो वहाँ चले जाएँगे। इसके अलावा एग्जॉस्ट लगा हुआ है, कोई M4 है शायद ये, और ओरिजिनल कटा हुआ है बैंड पाइप और वेल्ड किया हुआ है। एग्जॉस्ट की अंदर से ये हालत है कि फुल जो है ना फारग हुआ है, पता नहीं 3-4 साल से मेरा ख्याल ऐसे ही चलाया हुआ है। टायर्स की कंडीशन देखें तो टायर पिछला वाला बिल्कुल ख़त्म है, बट हमने अभी टायर चेंज नहीं करना क्योंकि हमारे पास बड़ा मिनिमम बजट हमें दिया गया, सही है। और ये फ्रंट पर आ जाए तो ये लीवर जो है ना, इसकी वीडियो में अटैच करता हूँ, ये मैंने नए लगा लिए थे। इसके जो लीवर का हाल है ना, ऐसा लग रहा है कोई खा गया, पता नहीं चलाते रहे या खाते रहे, समझ नहीं आ रही कि क्या चक्कर हुआ नट के साथ। तो लीवर नए लगवाने पड़ेंगे। और मड गार्ड है, ठीक है, इसके अलावा इंडिकेटर्स भी हैं और क्लच वायर रेस केबल तो डाल दिए नहीं, क्योंकि बाइक चलने वाली हालत में था ही नहीं, ना रेस जा रही थी ना कुछ, केबल भी नहीं डाली है क्योंकि चल ही नहीं रहा था ना, बाइक चल ही नहीं रहा था। तो ये सूरत हाल है, मीटर जो है यहाँ से फुल स्क्रैच्ड है, ये ऊपर टेप लगी हुई है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है कि पता ना चले, और मिक्स हो रहा है उसके साथ। फ्रंट मड गार्ड बिल्कुल रंग उड़ चुका है इसका, लेकिन मड गार्ड सही हालत में, इसको जो है बंदा पेंट कर सकता है बाद में। लाइट क्यों ऑन है? अच्छा, बटन भी ये फारिग हैं जी, मर्जी के मालिक हैं। खैर, उसके बाद ये इंडिकेटर है, ये टूटा हुआ है, बाकी इंडिकेटर ठीक है बट गंदी हालत में, तो इनको हम साफ़ सूफ कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा जंग जंग लगा हुआ है, और यहाँ से मेरा ख्याल है ये टैपेट का वो जो है सील लीक है, तो वो रबर डाल के हम इसको सेट कर लेंगे। एग्जॉस्ट जो है देखते हैं ओरिजिनल लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी साउंड बहुत अनोइंग है। मैं आपको सुनाता हूँ, चाबी ज़रूरत है इसको, अच्छा है। अच्छा जी, ये साउंड है जी इसका, हम उतारेंगे, जब उतारेंगे तो किसी को चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। उसके अलावा मीटर का कवर, अगर इसको भी, अच्छा मैंने थोड़ा सा वॉश भी होना है बाइक, अभी वॉश होके ना थोड़ी सी और क्लियर होगी इसकी हालत,
यार बाकी जो चीज़ें ज़रूरी हैं चेंज होने वाली वो कर लेनी चाहिए या नहीं। और फ्रंट पे ये रबर्स भी फारग है, लेकिन इसके लिए पूरे शॉक्स खोलने पड़ते हैं, तो वो अब देखना पड़ेगा कि यार इजी है तो ठीक है वरना मिस करा देंगे। उसके अलावा इसका इग्निशन स्विच, टैंक वाला ये जो लॉक है, ये सारा लॉक असेंबली जो है ना इसकी चेंज होने वाली है। ठीक है, तो खर्चा है थोड़ा इस पर, बट हमने मिनिमम रखते हुए इस बाइक को थोड़ा सा रिस्टोर करना है कि यार प्रेजेंटेबल लगे बाइक। इस टाइम बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं है, तो जल्दी से इस पर ये काम करवाएंगे और फिर जो है ओनर के हवाले कर देंगे, बाकी वो जाने और उनका काम जाने। अच्छा जी, बाइक की सूरत हाल तो आपने देख ली, और ये है कि वीडियो में उस तरह पता नहीं चलता कि यार बाइक की क्या हालत है, जो असल में नज़र आ रहा है ना वो उसकी बहुत बुरी हालत है। और अभी अंदर की सूरत हाल हमें नहीं पता कि अंदर क्या है, क्योंकि ये कभी खुला ही नहीं है। जो मुझे गन नज़र आ रहा है ना वो बताता है कि ये बाइक कभी खुला ही नहीं है, तो इसकी सिचुएशन बहुत बैड है। तो एक ट्यूनिंग चाहिए होगी इसको, कंप्लीट ट्यूनअप होगा जिसमें अंदर से सफाई होगी इसकी, ठीक है, और एक ऊपर से कुछ पार्ट्स चेंज करके बाइक को जो है दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में कर। जो इसके पार्ट्स हैं वो टूटे हुए नहीं हैं, बिल्कुल सही कंडीशन में, उनको तार के बंदा पेंट भी कर सकता है, तो वो फ्यूचर में काम आ सकते हैं। खैर, तो ये चीज़ें हैं कुछ, ये करनी है। सबसे पहले इसको जाके वॉश करवाते हैं, बारिश का मौसम है लेकिन ना वॉश करवा के अंदर ले जाऊँगा, जो थोड़ी कंडीशन क्लियर हो जाए। खैर है तो गंदा तो होना ही है, तो थोड़ा इसको रिस्टोर करना है हमने, और बजट हमारे पास छोटा है, उसके अंदर रहते हुए हमने काम करना है। और मैं आपके साथ प्राइसेस भी शेयर करूंगा सारी। आफ्टर मार्केट पार्ट्स अभी नहीं इंस्टॉल करने इस पे, वो करने हुए तो कर लेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लिमिटलेस राइडर्स का स्टोर है, लिमिटलेस ऑटो पार्ट्स, और वो आप विजिट करें, वहाँ से आपको आफ्टर मार्केट पार्ट्स मिल सकते हैं, और लिंक और फ़ोन नंबर नीचे आ रहा होगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, और बड़ी अच्छी क्वालिटी में और बड़े मुनासिब रेट्स पे। अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, बाद में जो है ना महंगे हो जाएंगे, फिर मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए अभी से ऑर्डर कर लें। और इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, पार्ट्स वगैरह कौन कौन से अवेलेबल हैं, एग्जॉस्ट हैं, इंडिकेटर्स हैं, लाइट्स हैं, और डेकोरेशन का जो भी सामान है वो सारा कुछ अवेलेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जाके ऑर्डर करें, कोई भी चीज़ ऑर्डर करें, और कैश ऑन डिलीवरी है। इसको वॉश करवाते हैं, कुछ पार्ट्स जो मैं खोल सकता हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, मैं कहीं जा नहीं सकता ना, दूर गया तो फिर भीग के आना है, तो जो पार्ट्स हम खुद चेंज कर सकते हैं और लगा सकते हैं वो लगाते हैं, और फिर इसकी लुक थोड़ी सी देखते हैं कि क्या निकली है। ओके जी, मुझे जो लग रहा है ना, इस बाइक का फर्स्ट एवर वॉश है 2019 के बाद, लेकिन वीडियो में यार चमक रहा है, आप लोगों को मैं असल कंडीशन नहीं दिखा सकता यहाँ से। खैर जो भी है, मुझे तो नज़र आ रहा, देखिए जी, सिर्फ पानी मारने के बाद जो है ना बाइक बिल्कुल नई कंडीशन में आ चुका है, और आप जब शैम्पू वॉश होगा ना फिर देखें। अच्छा जी, वी आर बैक आफ्टर द वॉश, मीटर थोड़ा अच्छा लग रहा है अब, बाइक जो है फिर भी वैसे ही है, बट स्टिल वेरी बेटर देन बिफोर। और अभी ट्राई करते हैं इस पर पॉलिश, उससे पहले इसको खोलते हैं, थोड़ा सा अंदर से देखते हैं। अच्छा जी, अंदर से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बहुत बेहतर हालत है, जैसे इस पर पहले सफाई हो चुकी है इसकी, और टैंक में थोड़ा जंग पकड़ा हुआ है, टैंक की ना कंप्लीट रिस्टोरेशन होनी है अंदर बाहर से, तो वो भी करवा लेते हैं। एयर फिल्टर चेक करते हैं और ये बैंड उतारते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जी, स्टॉक एग्जॉस्ट इसको लग चुका है, ठीक है, और अब जो है ना बाइक काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, वो तो बहुत गंद था। एयर फिल्टर चेंज होने, एयर फिल्टर मेरे पास है नहीं, सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। अभी जो है ना ये सीट काउल इसका चेंज करते हैं, ये उतार के फेंकते हैं साइड पे, और ये नया है ब्लैक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लें जी, बिल्कुल नया 3-piece काउल फॉर यू, इसको सीट काउल बोलते हैं, वैसे टेल भी कह सकते हैं, तो ये अभी यहाँ पर लगेगी, और कंडीशन देखें ना दोनों की, तो ये 2100 की है जी, वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, अभी मैंने ये लाइट खोली है तो इसमें बल्ब नहीं लगा हुआ था, तो ये बल्ब मेरे पास पड़ा हुआ है, अब आई डोंट नो काम करता है, यानी ये काम इलेक्ट्रिशियन वाले मेरे नहीं है, बट ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो ये लगा के चेक करते हैं लगता कैसे है जी, फंसा नहीं है। बिस्मिल्लाह, लगा तो कुछ फंस फंसा आ गई है, अब आई डोंट नो, ट्राई करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पटाखा ना मारी बस, ये लाइट है। ओ नाइस यार, ऑन हो गई है, फुल फुल लाइट पे ऑन हुई है, पार्किंग पे नहीं ऑन हुई, तो ये तजर्बा तो कामयाब हुआ। अच्छा जी, काउल लगाते हुए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ये, इसकी जो ये क्लिप है ना, इसके बहुत नाजुक होते हैं और ये फंसते नहीं हैं इसमें। इसकी होगी कोई ट्रिक लेकिन मुझे समझ नहीं आई जब से मैं लगा रहा हूँ, तो ये लगा के ना इसके ऊपर फिर स्क्रू लगाते हैं। सो लेट्स सी, बस ये समझ आया कि मुक्के शुक्के मार के इसको अंदर आपने फंसा देना है टक करके, ठीक है। तो यार लग गया है माशाल्लाह से, अब तो लग रहा है 2022 मॉडल है, कसम खुदा की। इसका काम हो गया, एयर फिल्टर मेरे पास है नहीं, सो आई वाज गोइंग टू लीव दिस हेयर इसी तरह, और जब होगा तो लगा लेंगे। ओके भाई, आज हमने ये चीज़ें लगा ली हैं, एग्जॉस्ट लगा दिया है, काउल लगा दिया है, वॉश हो गया बाइक, और एक दो दिन तक ना इसकी मैं ट्यूनिंग करवाऊंगा, इसका मड गार्ड फ्रंट वाला चेंज करेंगे, ये ना थोड़ा सा खोलना मुश्किल काम है, और ये साइड वाला इंडिकेटर लगवा लेंगे, सही है। तो ये चीज़ें लगवा लेंगे, जो खुद हो सकता था वो मैंने कर दिया, और उसके अलावा एक सीट का कवर लगवाएंगे, फिर देखें इस बाइक की लुक इंशाल्लाह निकलती।